ये भाईजान लेके आए हमारे लिए केएफसी हमारे अच्छा भाईजान ये बड़े पैकेट्स क्यों हैं क्या है इसके अंदर In this packet we have four zingers for pieces of chicken you can see Nice. Okay, तो अब हम यहाँ खाना खाने लगे हैं हमें बहुत भूख लगी हम यहाँ कर रहे हैं KFC पार्टी उन्होंने पहले भी खाया और ये दोबारा खाने लगे हैं और ये हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे बाद में पता नहीं बताएंगे कि नहीं बाद में जब बाजी जान वायरल हो जाएंगे ना कोई मिलियन व्यूज आ जाएंगे कहेंगे ये इसको हम जानते हैं इसको भी आप देख लिया करें कभी कभी वेलकम टू बाजू की दुनिया कैनेडा मैन गाइज मैं यहाँ से आपको आज ब्लॉग लेके आ रही हूँ मेरे मामू के घर से तो मेरे मामू जो हैं उन्होंने बड़े मज़े के खाने मंगवाए हुए थे KFC पिज़्ज़ा और फिर हमने बहुत ही मज़े का डिनर भी किया दाल चावल तो मैं आपको सारा आज अपनी वीडियोस में दिखा रही हूँ तो यहाँ पर इतने ये ज़बरदस्त KFC का हमने इतना मामू ने बड़ा कोई पोर्शन मंगवाया था सबके लिए सो लेट्स बिगिन विद आवर ब्लॉग और यहाँ पर हम आज KFC की खाने लगे हैं एंड यहाँ पर इतने सारे ये बर्गर्स थे मज़े के बर्गर्स साथ में पेप्सी साथ में फ्राइज एंड और ये बंस भी थे और साथ में कैचअप उन्होंने दी हुई थी ये हॉट एंड स्वीट कैचअप थी आई थिंक स्वीट एंड सावर इस तरह का नाम था एंड साथ में पेप्सी एंड बंस इसमें डाले हुए थे ताकि आप चिकन के साथ ना बंस भी डाल के खा सकते हैं बहुत मज़े का खाना था मामू ने हमने आधी रात को एक्चुअली मामू से कहा कि हमें भूख लगी हुई तो उन्होंने ये KFC मंगवा दी इट्स जस्ट फन जब सारे इकट्ठे हुए होते हैं इस तरह के खाने खाना इट्स काइंड एंटरटेनिंग एंड चिकन भी हमने स्पाइसी मंगवाया था फ्राइड चिकन विच वॉज वेरी स्पाइसी आज का व्लॉग ज़्यादातर तो खाने पीने पर ही होगा क्योंकि जाहिर है दावतें चल रही हैं तो अब कभी कोई दावत कर रहा है कभी कोई दावत कर रहा है तो इसीलिए हम सिर्फ दावतों पर ही खाना आजकल का व्लॉग लेकर आएंगे कुछ अरसे तक क्योंकि कभी मामों के घर दावत होती है कभी खाला के घर होती है और ये जो सॉस है ना ये है चिली गार्लिक सॉस एंड ये बहुत मज़े की सॉस थी अगर आप इसको केचप तो होता है ही पर चिली गार्लिक सॉस आप चिकन के साथ खाएं ये बहुत मज़ेदार लगती है और ये बंस भी बड़े सॉफ्ट से थे ऐसे लगता है फ्रेश बना के उन्होंने KFC वालों ने पैक किए हों बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स व्हाट हैपेंड मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है ये बंस क्योंकि थोड़े से मीठे से होते हैं तो बच्चे ना इसके ऊपर केचप लगा के खाते हैं अगर इसके अंदर आप बटर लगा के खाएं ना वो भी बहुत मज़े का लगता है और अगर इसको थोड़ा सा गर्म कर लें फिर बटर लगाएं बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा वो भी बहुत मज़े का लगता है और इट वाज ओवरऑल आई वुड रेट इट हाई ओके आई विल डू दैट टू देम के 3 बज गए हैं और हमें KFC के बाद दोबारा भूख लग गई है KFC खाया था हमने 1 बजे खोलो और अब याद भी नहीं है कौन सी KFC तो ये हमने मंगवाया है पिज्ज़ा और साथ में है यहाँ पे बर्गर्स लेट्स सी बर्गर खोल के दिखाओ बहना से खोलते हैं ऐसे खोलते हैं जिन लोगों को खोलना नहीं आता नहीं। वो आज हमारे चैनल से सीख सकते हैं ऐसे ऐसे खुल रहा है लोगों ये वैसे सैंडविचेस हैं दे आर नॉट बर्गर हमसे भाईजान ने गलत बयानी की है वो बर्गर होगा ये बर्गर ये बर्गर ये कौन सा बर्गर है ऐसा बर्गर है अंडे वाला या दूसरा सिंगर चिकन का बर्गर है सिंगर बर्गर देखा जाए नकाब तो हटाइए वो आप यार वो शेर सुनाइए शेर शेर सुनाइए अच्छा वो क्या था मेरा नहीं है ये सुभान का शेर है फूल है गुलाब का नशा है शराब का आंखें तो दिख रही है क्या फायदा नकाब का दिख रही है हमें भी आंखें दिख रही है क्या फायदा नकाब का हैवी किस्म का बर्गर है अभी हम इसको भी ट्राई करके दिखाते हैं और साथ में ड्रिंक्स तो हैं ही ऑफ कोर्स इसको हम कहते हैं पेप्सी इसको कहते पेप्सी ये डालेंगे हम इसके अंदर आ जाओ सारे बच्चों
और यहाँ पर हम पिज़्ज़ा तो हमने खा लिया। अब पिज़्ज़ा खाने के बाद ना फिर सारे हम ना बहुत खाना पीना खाते रहते हैं, मामू के घर आते हैं ना तो मामू कभी कुछ बना रहे होते हैं, मामू कभी कुछ सर्व कर रहे होते हैं, कभी कुछ सर्व करते हैं, ज़ाहिर बनाती तो मामा नहीं जानी है, वो रहते हैं कि मामू बना रहे हैं क्या ना मामू को ही आता ना हाँ जी क्योंकि मामू के घर आए हुए ना हम खाना खाने तो वॉइस ओवर करें ही हो तो मैंने मामी जान से कहा कि आप भी थोड़ा चिप इन करें तो यहाँ पर दाल चावल बने हुए हैं और साथ में आलू गोश्त बना हुआ है और हमने ये सारा एक सुबह दोपहर शाम जो खाया ना आज मैंने आपको दिखाया मामा के घर दावतें हो रही हैं और कल भी हम यही दिखाएंगे, परसों भी यही दिखाएंगे, हम 5-6 दिन का एक महीना आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ हमारी दावतें हो रही हैं आजकल, क्योंकि दावतों का सीज़न है आप तो जानते हैं कि अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा अच्छा हो रहा है, प्लेजेंट हो रहा है, गर्मियाँ हल्की हल्की आना शुरू हो रही हैं और ठंड आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। वाल ठंड को मिस तो करेंगे क्योंकि ठंड अपनी जगह अच्छी लगती है, गर्मी अपनी जगह अच्छी लगती है, लेकिन जब ठंड होती है तो हमने शुक्री करते हैं कि ठंड बहुत है, अभी गर्मी आ जाएगी फिर हमने शुक्री करेंगे गर्मी बहुत है। इसीलिए तो मामा जान मैं ब्लॉगर हूँ क्योंकि बोलना ही तो मुझे आता है, मैं अपना टैलेंट इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है मामा जान, आप जो भी इसका मतलब है ना मैं वो करूँगी। अच्छा ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट स्पीच, अच्छा 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 मुझे अब समझ आई है, वो मैं अच्छी कर सकती हूँ। ठीक है मामा जान, मैं आपकी इस बात को मद्देनजर रखूंगी और मैं अपने व्लॉग्स में और बोला करूँगी। एंड गाइज यहाँ मैं वीडियो इंशाल्लाह। एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है सब्सक्राइब करें, मैं कैनेडियन टाइम टोरंटो टाइम सुबह के 6 बजे वीडियोस डालती हूँ। थैंक यू।